पिकनिक प्लेस का नाम है झुमका डैम, जो कि कोरिया जिले में झुमका है। नाश्ता बहुत ही टेस्टी लग रहा है, आप देख सकते हैं सबसे अच्छा सब लोग खा चाहेंगे। जगह बहुत ही सुंदर है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। मत डर चाहिए, खतरनाक चुके हैं अभी बोटिंग के लिए, तो हम बोटिंग फोटो क्लिक करा रहे हैं। तो इन नदी नदी घुमा ले बेंग साग तरा ले। तो गुड मॉर्निंग दोस्तों, गुड मॉर्निंग हो चुका है। तो अभी हम लोग हमारे स्कूल अंबिका मिशन जुबली मेमोरियल इंग्लिश मीडियम स्कूल में हमारा आगमन हो चुका है। दोस्तों आप लोग देख सकते हैं ये हमारा स्कूल है और ये हमारा बस है, और आज हम जुबली मेमोरियल इंग्लिश मीडियम स्कूल से पिकनिक जा रहे हैं। तो उस पिकनिक प्लेस का नाम है झुमका डैम, जो कि कोरिया जिले में स्थित है। इसलिए दोस्तों हम लोग अभी नहीं निकले हैं, मिलाएंगे आपको झुमका डैम के खूबसूरत नजारों से और खूबसूरत खूबसूरत मैडम से। तो तब तक आप लोग ब्लॉक में बने रहिए और फिर हम लोग वहाँ पहुँच के वहाँ का नजारा आपको दिखाएंगे। तब तक के लिए बाय बाय। हर फोन में एक एक वीडियो। दोस्तों आप लोग देख सकते हैं सबको कि मैं खा आ चुके हैं और फिर हम लोग सूरजपुर पहुंच गए हैं और यहाँ पे हम लोग बस से उतर गए हैं और सब नाश्ता कर रहे हैं। आप लोग देख सकते हैं संजय सर, नाश्ता के बारे में कुछ आप बोलना चाहते हैं बताइए। नाश्ते बहुत स्वादिष्ट हैं, हम लोग सूरजपुर के होटल का तारीफ करते हैं, ताकि आप लोग आइए और वहाँ जा खाइए। बाकी हम लोग मिलाते हैं, जो हम लोग बैठ के खा रहे हैं ये बैठने का एंजॉय लिया जा रहा है यहाँ पे देखिए। और हम मिलाते हैं अनुसापुरी मैम से, कुछ कहना चाहेंगे आप ज्वाइन करते हैं इन्हें खाने में। आइए हम मिलवाइए, इन लोग से बात करवाइए भाई। हाँ कुछ कहना चाहेंगे तो माधुरी में मैगी पकड़ी है। तो माधुरी मैम, तो मैम कुछ बोलना चाहेंगे आप लोग को, नाश्ता कैसे लगा नाश्ता सूरजपुर का? नाश्ता बहुत ही टेस्टी लग रहा है, आप देख सकते हैं सब लोग खा रहे हैं। तो आप लोग भी कभी आइए सूरजपुर में नाश्ता करने, दिखाइए। हम लोग का डेस्टिनेशन जो है अभी दूर है, तो हम लोग थोड़ी देर में वहाँ पहुँचने वाले हैं और आपको वहाँ खूबसूरती से मिलाएंगे। तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद हमारे ब्लॉग देखने के लिए। तो हम लोग झुमका डैम के अंदर में आ चुके हैं और आपको मिलाते देखिए, यहाँ पे हमारा डैम है, पानी पानी आपको देखने को मिल रहा है। देखिए दूर तक नजारा दिखाइए, साइड में उधर दिखाइए, उधर कपड़ा आराम से आराम। और हम लोग इधर आइए जल्दी, कैमरा इधर कीजिए। तो आइए अब हम लोग आ चुके हैं, यहाँ पर है झुमका डैम के बीच में और ये कोरिया डिस्ट्रिक्ट जो रेड कलर में लिखा हुआ है। तो अब हम लोग यहाँ के टीचर से पूछते हैं इनको कैसा अनुभव हो रहा है। तो सबसे पहले हम मिलाते हैं आपको सविता मैम से, ये हमारे राजवाड़े जी संस्कृत टीचर हैं जो शर्मा के भाग रही हैं, ऐसे नहीं चलता है। हम ये भागते अलग निकल चुकी हैं। अब हम मिलाते हैं लाल परी प्रतिभा मैडम, प्रतिभा तिर्की से। तो आप इस जगह के बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगी? जगह बहुत ही सुंदर है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। मैं हम रोस्टे, हाँ शर्माते शर्माते बोल चुकी है सविता मैम भी और प्रतिभा मैम का बहुत ही अच्छा जवाब था। इसके लिए हम आगे बढ़ते हुए और अनुसापुरी मैम से मिलाते हैं। पूरी जगह है, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत मजा आ रहा है, शाम हो जाएगी तो और मजा आएगा। हाँ तो अब हम आते हैं फुलबिरथा मैम, आप कुछ कहना चाहिए? आपकी दोनों बुतरी लोग आई हैं, तो उनके बारे में कुछ कहिए।
तो इस घर के अंदर ही रखती हूँ इसलिए मैं हाँ ये अपने बच्चों को बहुत ही अच्छे तरह से देखभाल करती हैं। आइए आप मिलाते हैं हम जुबली स्कूल के वाइस प्रिंसिपल फादर आइए आप कुछ कहना चाहते हैं इस जगह के बारे में। मैं यही कहना चाहूंगा जो जो यहाँ कभी नहीं आए हैं जिंदगी में एक बार मरने से पहले जरूर आए और यहाँ का आनंद ले क्योंकि यहाँ जो है एक स्वर्ग का अनुभव हमको मिलता है। ये फादर का बहुत अच्छा जवाब था। अब हमारे रिस्पेक्टेड फादर प्रिंसिपल फादर मुफ्ती से हम मिलाते हैं और इनसे कुछ वार्तालाप करते हैं। फादर क्या कहना चाहेंगे? ये तो बहुत अच्छी पहल है माधुरी मैम और हमारे संजीत सर लेकर के आए हैं हम सभी को। बहुत ही अच्छा जगह है, एंजॉय कर रहे हैं सब कोई, खूब एंजॉय कीजिए। आपको भी कभी चांस मिलता है तो आप आइए और एंजॉय कीजिए, बहुत अच्छा जगह है। चलिए तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं जहाँ पे आई लव कोरिया लिखा है वहाँ हम लोग गए थे और फिर लाइन से हम लोग ये छोटा छोटा पुल का दृश्य आपको दिख रहा है नीचे से, तो उसमें हम अभी वहाँ से वापस आ रहे हैं। तो आप लोग देखिए सारे स्टाफ वाले हमारे प्यारे प्यारे बच्चे भी आ रहे हैं पीछे पीछे, तो आप लोग देख सकते हैं प्यारे 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 बच्चे हैं। ये पुलिया बहुत ही सुंदर है। अरे बाबा भी कौन हिला रहा है? सही में हो रहा है। ये पूल का नाम है डांसिंग पूल, डांसिंग। हाय हाय, वी आर एंजॉयिंग झुमका डैम। झुमका डैम में एंजॉय कर रहे हैं लोग। हाय बोलते तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं गेम स्टार्ट हो चुका है और अभी फुटबॉल मारने वाले हैं हमारे प्रिंसिपल फादर मुक्ति और उधर सिस्टर खड़ी है, सिस्टर भी बहुत उत्सुक है फुटबॉल मारने के लिए। अच्छा दोस्तों गुड आफ्टरनून। तो हम लोग अभी थोड़ा सा झुमका डैम में घूमते घूमते थक गए हैं, तो फिर अभी लंच के लिए सब रेडी हो रहे हैं। यहाँ पे सब मैट लगा के बैठे हैं और हमारी फादर्स और कुछ टीचर्स गेम की तैयारी में हैं, तो थोड़ी देर में गेम स्टार्ट होने वाला है। तो ऐसा गेम करेंगे कि उस गेम में आपको देख के मजा आ जाएगा, तो आगे चल के आपको गेम दिखा दें। कहाँ आप तो खुद दिख रहे हो, हम लोग तो वो दिख बैकुंठपुर के झुमका डैम बम विस्फोटक गेम हो रहा है। ये चाइना का सी प्लेस है
तो यहाँ देखिए गेम का आनंद ले रहे हो, गेम कराती है मेरी माधुरी मैम, हाय कीजिए। कैसे किया जाता है गाना के साथ मजा लीजिए गेम का। देखिए हाय, यहाँ पे ऐसा गेम खेला जा रहा है कि इंडिया को छोड़ के बाकी विदेशियों को अपनाया जाए। बम विस्फोट के लिए है हमारे लिए। थैंक यू, तो मिलते हैं फिर। हेलो गाइस, तो अभी हम लोगों ने बम विस्फोट गेम देखा है जिसमें चार देशों का यूज किया गया था, इस्तेमाल किया गया था, बांग्लादेश, अफ्रीका, पाकिस्तान और चाइना। तो इन गेम को बहुत ही प्रतिभागियों ने खेला अच्छे से। जो हमारी फर्स्ट आने वाली प्रतिभागी है सिस्टर पूनम है, इनके जोरदार ताली एक बार। और दूसरे प्रतिभागी जो सेकंड नंबर पे आई है हमारे प्रतिभा, इनके लिए एक बार जोरदार ताली। और तीसरे नंबर पे महायोद्धा स्कूल के जान इधर नहीं, तो अब इनको हम लोग प्राइज डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो सबसे पहले मैं थर्ड से फादर के फादर सुशील लगड़ा के हाथों से, ये वाइस प्रिंसिपल है हमारे स्कूल के, तो इनके शुभ हाथों से हम लोग प्राइज डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो सबसे पहले थर्ड पोजीशन पे आई हुई हमारी कविता राजवाड़े में, पहली बार थर्ड प्राइज है, तो देख के मत डर जाइए, डरना नहीं है। दूसरे पुरस्कार के लिए हम आमंत्रित करते हैं प्रतिभा मैम को, तो प्लीज कम ऑन द स्टेज। आप कैसे डरते हैं किसी से? आंख खुली, आंख खुली, मत चिल्लाइए। 1 2 3 पूनम मैम को बुलाया जा रहा है, इनके लिए बहुत ही अलग तरह का प्राइज यूज किया गया है। देखिए अब ये क्या बोलते हैं, आइए चेहरे को दिखाइए अपने। देखिए यहाँ पर, चलिए फादर से प्राइज लीजिए। इनका अब ये प्राइज की फैसिलिटीज क्या है, यूज़ क्यों करना है, अभी ठंड का मौसम है तो इसके लिए होंठ ना फटे, इसलिए बॉडी में लगाइए, होंठ में लगाइए, इसका यूज है, तो ये सबको ध्यान में रखते हुए सब दिया जा रहा है। ताली बजा दीजिए एक बार। चलिए ओके, थैंक यू। तो अब हाँ, संतावना पुरस्कार भी हमने व्यवस्था की हुई है, संतावना पुरस्कार के लिए भी अब आपको दिखाया जाएगा। ये पांचों पुरस्कार पे हैं, तो देने का मन तो नहीं था लेकिन देना पड़ रहा है, क्या कर सकते हैं। आइए अब लेते जाइए, सब लोग संतावना पुरस्कार के लिए हैं। अभी आइए के लिए, तो हम बोटिंग के लिए ये झुमका डैम के एक छोटे से आइलैंड पर जा रहे हैं। यहाँ की खूबसूरती को आप देखिएगा, ये सनसेट का भी सीन है, आप कैमरा को देखिए, देखिए सनसेट कितना खूबसूरत दिख रहा है नदी से, लगता जैसे कि। तो देखिए गाइस, हम लोग पहुँच चुके हैं, ये झुमका आइलैंड है, यहाँ पे बहुत सारे लोग घूमने आते हैं और यहाँ पे हमारे स्टाफ मेंबर पहुँच चुके हैं। कुछ लोग बैक कैमरा कर दिखा सकते हैं, वो लोग अपने कैमरे में बिजी हैं, फोटो शूट कर रहे हैं। आप लोग अंदर आइए क्योंकि लेट हो रहा है। तो ये देखिए झुमका आइलैंड लिखा हुआ है, यहाँ से हम इंटर करेंगे और हमारे कुछ आई लव कोरिया लिखे ब्यूटीफुल प्लेस पे फोटो क्लिक करा रहे हैं। तो इन खूबसूरत एक गार्डन है, ये इधर 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 ये एक ब्यूटीफुल गार्डन है जिसमें हर तरह की चीज़ें सुविधा कराई गई है, बहुत ही क्लीन दिख रही है ये प्लेस। और यहाँ पर आपको घूमने के लिए बैलून का एक बहुत ही अच्छा फोकस कराया गया है। अब तो हेलो भाई जी, ये देखिए ये बिंग शाख है, इसको हम लोग खाते हैं और यहाँ पर ये बहुत ही ज़्यादा मात्रा में उपलब्ध है। अगर आप जब भी आए तो इसका यूज कर सकते हैं, इसको तोड़ ले जा सकते हैं, खाने में बहुत स्वादिष्ट रहता है। तो बेंग साग से रिलेटेड मैं थोड़ा सा एक गाना गाना चाहती हूँ। नदी नदी घुमा ले बेंग साग तोड़ा ले, नदी नदी घुमा बेंग साग तोड़ा ले, चुनो मुनो चुआ के कदल ताले।
ओके, तो इसी के साथ ब्लॉग समाप्त करते हैं और हम लोग कुछ देर में वापस होने वाले हैं, क्योंकि हमारे बोट का हमें इंतजार हो रहा है। बोट अभी आया नहीं है, बोट आएगा तो फिर हम लोग दो बोट में आए थे। चलिए फिर मिलते हैं,